वेलकम बैक जी, राइजिंग पाकिस्तान में खुश आमदीद। वक्त आ जाता है आपके सेगमेंट का जहां पर आप एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर होते हैं। ये पूरा सेगमेंट आप खुद से प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, तो आपके पिक्चर्स, आपकी वीडियोस, आपके मैसेजेस हमारे पास इस वक्त हैं। तो सबसे पहले तौसीक, हम पिक्चर शामिल करते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा जी, नासिर अली शाह ने हमें अपर चित्राल से पिक्चर्स भेजी हैं। आइए देखते हैं जी, नासिर ने हमें क्या भेजा है चित्राल से। वाह जी वाह, नासिर भाई सीन है आपका, फुल सीन है, मजेदार, ओह ब्यूटीफुल। ये असल सर्दियां एंजॉय करने का अगर कहना तो वो नासिर सही एग्जांपल है इसकी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और आप देखें कुदरत का कितना खूबसूरत ये नमूना है कि बर्फ के अंदर जो पौधा है और उसमें फूल खिले हुए। Exactly. So beautiful. वाह जी वाह, थैंक यू सो मच नासिर। आरिफ हुसैन ने हमें चिलम अस्तोर से पिक्चर्स भेजी हैं। आइए देखते हैं जी, आरिफ ने हमें क्या जी अस्तोर वैली से आई हैं तस्वीरें। वाह जी वाह, जबरदस्त, ब्यूटीफुल। अरे वाह, इससे पता चलता है पाकिस्तान के ज्यादातर इलाके ऐसे हैं इस वक्त जहाँ पर बर्फ पड़ चुकी है। एग्जैक्टली, जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज हैं उसमें ज्यादातर इस वक्त बर्फ की चादर क्या ओढ़ रखी है, ओढ़ रखी है। अच्छा जी, अशफाक ने हमें अली वाली से याद किया है। आइए देखते हैं जी, अली वाली से हमें क्या रिसीव हुआ है। अरे वाह, क्या मजेदार सलाद है भाई, हेल्दी क्लीन ईटिंग है ना जी। ये डॉक्टर ताहिरा और डॉक्टर नौशीन होती तो वो बड़ी खुश होती है। अच्छा, वो क्लीन ईटिंग के साथ ही हलवा। उन्होंने कहा बहुत क्लीन ईटिंग हो गई, अब जरा कैलोरीज में इजाफा करते हैं, खाओ मीठा। ओए होए होए, मेरा प्यारा दोस्त, हमें बिछड़े जमाने बीत गए और हम अब आज मिल गए दोबारा। भाई इनका नाम नहीं बताया, इनका नाम नहीं बताया जी। बहुत प्यारे हैं आप भाई, बहुत खूबसूरत हैं। अच्छा जी, मारिया नसीर ने हमें एबटाबाद से पिक्चर्स भेजी हैं। आइए देखते हैं जी, मारिया ने हमें क्या भेजा है। जी मारिया की ड्राइंग तो चेक करें जरा। वाह जी वाह, जबरदस्त। इस तरह की ड्राइंग सही इंसान को ना वैसे बचपन में लेके जाती है। वो रेनबो बड़ी प्यारी है, बादल बहुत खूबसूरत है। ये देखें और ये वाली लैंडस्केप चेक करें जी आप। ऊपर उन्होंने लिखा भी इतना बड़ा बड़ा लैंडस्केप, कहीं हम कहते हैं डिस्क्रिप्शन दिया करें वो। वेरी नाइस। ओहो, ये मारिया खुद है। वाह जी वाह, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल भाई, ये बहुत अच्छा है। बताओ सबीन, तोता कहाँ बैठा हुआ है? तोता दरख्त पे। ये तो तुमने तुक्का मारा, जा रहा तोता दरख्त पे ही बैठेगा। नहीं नहीं, वहां से सबसे ऊपर वाली टहनी पे नजर आया। अच्छा, नजर आया था, ठीक है। राइजिंग पाकिस्तान, लो जी हमारा नया लोगो बन गया। कलर्स से जो कि ग्रीन और पर्पल कलर्स हो गए। अच्छा जी, मोहम्मद रहमान ने हमें एक बुदाल से पिक्चर भेजी है। आइए देखते हैं जी। जी रहमान साहब, ओए होए 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 होए, ब्यूटीफुल, प्यारे प्यारे मुर्गे और मुर्गियां, वेरी नाइस वेरी नाइस। बारिश हुई भी है और हम दाना चुगने निकले हुए सारे बाहर। पूरी कहानी, पूरी स्टोरी हमने देखे बना दी। चलिए जी, थैंक यू सो मच पिक्चर्स भेजने के लिए। अब जरा मैसेजेस शामिल करेंगे। नाम हमें नहीं पता लेकिन पसूर से हमें पिक्चर्स रिसीव हुई हैं। नहीं नहीं नहीं, मैसेज रिसीव हुआ, पिक्चर नहीं रिसीव हुई। कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, आप सब टीम को बहुत बहुत सलाम और आपका शो बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपसे ही कहना था कि मैं आपको बचपन से देख रही हूँ, बहुत अच्छा शो करते हैं, आपका और आपकी टीम को सलाम, क्योंकि वो बहुत मेहनत से हम तक तमाम प्रोग्राम पहुँचाते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया, कसूर से आपने हमें याद किया। आप अपना प्यारा सा नाम भी हमें बतलाती हैं तो बहुत अच्छा लगता है, हम आपका नाम लेके आपका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन आप जो कोई भी हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, मुस्कान ने हमें हैदराबाद से मैसेज भेजा है। मुस्कान कहती हैं कि तमाम के तमाम दिन बेहतरीन सेगमेंट देखने को मिलते हैं हमें, आपके सभी सेगमेंट अच्छे हैं और मैं और मेरी अम्मी एक्सपर्ट सेगमेंट बहुत इंजॉय करती हैं, और कहती हैं कि इस मौसम में आप सबको सलाम, आपकी हिम्मत को सलाम। जी बिल्कुल, सर्दियों में सुबह सुबह उठ के जब दफ्तर आना पड़ता है, सिर्फ मुझे और सबीन को नहीं, हमारी पूरी टीम को, बिल्कुल एक पूरा क्रू है जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में होता है, हम सब लोग सुबह सुबह पहुंचते हैं 6:30 बजे, गहमा गहमी होती है तो ठंड में फिर एक दूसरे के साथ टिप्स भी ले रहे होते हैं, कि कुछ हमारे साथी मोटर बाइक पे आते हैं, कुछ गाड़ी पे आते हैं, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आता है, फिर आपस में नोट्स एक्सचेंज होते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स भी है ना, टोटके कभी शॉल लेने के क्या स्टाइल हो सकते हैं, क्या तरीके हो सकते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, मोहम्मद रेहान खान ने हमें मियांवाली से मैसेज भेजा है। रेहान कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, आपका शो बहुत ही खूबसूरत है और मेरे घर वाले बहुत शौक से देखते हैं तमाम सेगमेंट्स, थैंक यू सो मच जी। हिना ने पेशावर से याद किया है। हिना कहती हैं कि अस्सलाम वालेकुम, हमारे सारे गांव वाले आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं और आपकी हर एडवाइस को फॉलो भी करते हैं, लेकिन मेरी आपसे एक दरख्वास्त है
कि प्लीज़ मेरे गांव वालों को पैगाम दें कि दरख्तों को ना काटें, मेरा गांव बहुत प्यारा है। सो मेरा ये पैगाम आप उन तक ज़रूर पहुंचाएं। बिल्कुल हिना, आपका पैगाम हम पहुंचाते हैं, लेकिन हिना ने अपने गांव का नाम नहीं लिखा। नहीं, पेशावर से है लेकिन पेशावर से गाँव का नाम आपने नहीं लिखा, तो पेशावर का कौन सा इलाका है, कौन सा गाँव है आप हमें ज़रूर बताती हैं। लेकिन भाई हिना का ये पैगाम तो हर एक के लिए, सिर्फ उनके गाँव वालों के लिए नहीं, हमें दरख्त नहीं काटने चाहिए, सिर्फ लीगल तरीके से दरख्तों की कटाई होनी चाहिए। और बिल्कुल दरख्त हुस्न है, कहते हैं जी ज़मीन का जेवर होते हैं दरख्त, exactly, है ना जी। बिल्कुल, तो बिल्कुल हिना हम आपके साथ हैं, आपका गांव बहुत खूबसूरत है, लेकिन अगली बार आपने अपने गांव की हमें एक दो तस्वीर भी भेजनी है और गांव का नाम भी बताना है। एग्जैक्टली, आप हमें ज़रूर बताएंगे और हमारे ये मैसेज देने से क्या किसी को फ़र्क पड़ा ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच जी, आपने इतनी प्यारी हमें पिक्चर्स भेजी पूरे पाकिस्तान का कि आप हमें सैर करवा देते हैं यहाँ इस स्टूडियो में बैठे हुए। सो बहुत शुक्रिया आपके मैसेजेस का, आपके प्यार का। अब हम बढ़ेंगे जी अपने अगले सेगमेंट की जाने। जी हाँ बिल्कुल, और अगला सेगमेंट है हमारा शार्क नदीम का, जिसके लिए हम आपको कराची लेके जाएंगे और देखेंगे कि आज कौन सी कुतुब है उर्दू अदब से हैं, अंग्रेजी अदब से हैं या किसी और अदब से हैं, जिनको शाहरुख फीचर करने जा रहे हैं। गौर से सुनिए, 3-4 मिनट में पूरी किताब का खुलासा आप तक पहुंच जाता है। जी शाहरुख। गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। दोस्तों 15वीं सेंचुरी में यूरोप में एक ऐसा पॉलीमैथ पैदा हुआ जिसने अपनी पेंटिंग्स के जरिए, अपनी इंजीनियरिंग के जरिए, अपनी स्केचेस के जरिए पूरी दुनिया में अपना नाम बनाया। इस शख्स का नाम है लियोनार्डो डा विंची, और इसी के ऊपर आज की हमारी पहली किताब है, जो कि है वाल्टर आइजैक्सन की बायोग्राफी ऑन लियोनार्डो डा विंची, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स यू विल फाइंड ऑन दिस ग्रेट जीनियस। वाल्टर आइजैक्सन दोस्तों जो किताब लिखता है आप उसे वैसे ही खरीदिया करें, बिकॉज ही इज इजिली द बेस्ट बायोग्राफर इन द वर्ल्ड टूडे। ये किताब भी उसका एक रिमार्केबल काम है, जिसमें वो आपको ट्रांसपोर्ट कर देता है इन द 15वीं सेंचुरी, और आप चले जाते हैं उन वक्तों में जब लियोनार्डो डा विंची जिंदा था। लियोनार्डो एक जीनियस था, एक पॉलीमैथ था, जिसने पूरी दुनिया में शोहरत हासिल की अपनी दो पेंटिंग्स की वजह से, एक द लास्ट सपर और दूसरी है मोना लिसा। उसके पास इतनी जबरदस्त कला थी, इतना जबरदस्त हुनर था, उसके काम में इतना फिनेस था कि आपको उसमें आर्ट भी नजर आती है, साइंस भी और इंजीनियरिंग भी। इस किताब में वाल्टर आइजैक्सन ने उसकी पूरी जिंदगी की जर्नी को कवर किया है, उसकी पर्सनल लाइफ, किस तरीके से उसने पहली दफा डिस्कवर किया कि वो पेंट कर सकता है, उसके इंजीनियरिंग का काम, उसकी इनोवेटिव थिंकिंग और उसका ऑब्सेसिव नेचर। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, एक बात को आपने लाजमी समझना है, मेरा मुशाहिदा ये कहता है, मेरा ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस ये कहता है कि जब तक आपको जिंदगी में किसी चीज का ऑब्सेशन नहीं है, मैडनेस नहीं है, उसके बारे में आप पैशनेट नहीं है, तब तक आप उस काम में कभी भी एक्सेलेंस को टच नहीं कर सकते। लिहाजा अगर आपने किसी भी काम को टू द लेवल ऑफ एक्सीलेंस लेके जाना है तो आपको उसके बारे में ऑब्सेसिव होना पड़ेगा, और लियोनार्डो डा विंची ऐसा ही एक शख्स था। अगर आप लोग कभी पेरिस जाएं तो मोना लिसा को जरूर देखिएगा, देखने में वो आपको एक औरत की मामूली सी पेंटिंग लगेगी, लेकिन उसके अंदर जो कलर्स हैं, उसकी जो फील है, उस पेंटिंग का जो एसेंस है, वो उसके बाद दोबारा दोहराया नहीं गया। दैट इज वाई इट इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव पीसेज ऑफ आर्ट एवर मेड। मेरा जो पर्सनल फेवरेट काम है लियोनार्डो का, वो है विट्रूवियन मैन। क्या ही कमाल की ड्राइंग है, अ ब्लेंड ऑफ आर्ट एंड साइंस। मुझे विट्रूवियन मैन बहुत ही मिस्टिकल, पुरसरारियत से भरा हुआ लगता है। सो इफ यू वांट टू नो इन डेप्थ अबाउट हु लियोनार्डो डा विंची वाज, तो वाल्टर आइजैक्सन की ये बायोग्राफी आपने लाजमी पढ़नी है, और मुझे आपने मैसेज करके जरूर बताना है कि आपको लियोनार्डो का कौन सा काम सबसे ज्यादा पसंद है। अजीज आने मन, दूसरी किताब की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मेरी जिंदगी में पिछले 2 से 3 साल में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आई है इन टर्म्स ऑफ माय विजन इन लाइफ, और इसके एक बहुत ही मेजर इंग्रेडिएंट, एक बहुत ही मेजर इम्पेटस उस चीज को मिला है अल्लामा इकबाल साहब से। उनकी नसर और शायरी ने मेरी जिंदगी बदल के रख दी है। इकबालियात हमारे मुल्क के पास, हमारे लोगों के पास, हमारी कौम के पास वो असासा है, वो गोल्ड माइन है, जिसका इस्तेमाल करके हम लोग प्रोस्पेरिटी के रास्ते पर चल सकते हैं। इसी हवाले से जो आज हमारी दूसरी किताब है वो है इकबाल साहब की 2 कमाल की नज़मों के बारे में, और इसका नाम है शरह शिकवा और जवाब शिकवा। ये वो 2 नज़में हैं जो कलेक्टिवली हमारी पूरी कौम को पढ़नी चाहिए, क्योंकि इनके अंदर एक ऐसा गहरा मैसेज छुपा हुआ है जिसके अंदर बहुत सी लर्निंग है। अक्सर लोगों को ये दोनों नज़में काफी मुश्किल लगती हैं, और इसी का सोल्यूशन ये किताब है, जिसमें इन दोनों नज़मों को बहुत ही आसान तरीके से समझाया गया है, इनकी तशरीह की गई है।
ये हमारे पर लाजिम है कि हम इकबाल साहब की शायरी, उनकी नज़में और उनके नसर का बगौर जायजा लें, उसको भरपूर तरीके से समझें, क्योंकि इनके अंदर छुपा हुआ मैसेज इतना पावरफुल है, उसके अंदर इतनी ताकत है कि वो हमारे कौम की तकदीर बदल सकता है। शाहरुख का बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छी अच्छी किताबें हमें रेकमेंड करते हैं। एग्जैक्टली, बहुत सारे लोगों को अकल आ गई है, आने वाली है या आ जाएगी।